पे धैर्य बजा रहा है सुबह सुबह शंख, क्योंकि इसके पापा शंख बजाते हैं, उसके बाद ये रोज प्रैक्टिस करता है बस। मतलब ना अब ना इसको ऑलमोस्ट आने लगा है सच में, बहुत मतलब एज कम्पेयर टू जितना छोटा है उससे बहुत अच्छा बजा ले रहा है। ज्यादा देर तक बजाओ, और ज्यादा देर तक, और करो करो तो ट्राई तो करो। डुबू को तो आ गया। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। सो मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। अभी जा रही हूँ धैर्य को स्कूल से लेने, क्योंकि रोज़ बेचारा बोलता है मम्मा आप नहीं आती, आप नहीं आती। तो मैंने कहा चलो आज मतलब मंडे से तो वैन लेके जाएगी, आज मैं ही लेके चले जाती हूँ, फ्राइडे है। स्कूल से लेके आने के बाद धैर्य की आदत है रोज़ नाना से कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता है। तो आज नाना ने बोला कि आज मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैंगो है मैंगो खा लो। तो साथ में हम लोग खा रहे हैं मैंगो। तो पापा, धैर्य, मैं, मम्मी, दीदी, सारे लोग देसी पका आम खा रहे हैं। ये हमारे गांव के बाग का आम है। सो मम्मी लाई थी कच्चा, बट हो गया पक्का, तो बहुत टेस्टी लगता है सच में। बहुत देसी चीज़ ना अलग ही टेस्ट होता है। इसका टेस्ट सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था गांव के बगीचे में पहुंच गए हम लोगों। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका ना एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा ही मीठा हो जाता है। तो सारे लोग खा रहे हैं आम, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मी, पापा, मैं, दीदी, धैर्य, सारे लोग मिल के खा रहे हैं आम। तो ये देखिए धैर्य को खाते हुए, इसको खाने ही नहीं आ रहा था। मतलब एक्चुअली ये देसी आम है ना, तो इसको बस चूसा जाता है क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं रहता है, तो बहुत कम क्वांटिटी में रहता है, तो धैर्य को आ ही नहीं रहा। तो पूरा छिलका निकाल के बस ऐसे ही चाट रहा है, तो उसको आ नहीं रहा। बट हम लोग देख के बहुत हंस रहे हैं कि प्रैक्टिस तो कर रहा है, कम से कम कोशिश कर रहा है। तो तब थोड़ा थोड़ा आने लगा उसको खाने। फिर पापा और ला के दे रहे हैं कि धैर्य और चाहिए क्या, ले लो। को स्कूल से लाने के बाद मैं उसको सुला दी थी और आई हूँ अपनी फ्रेंड नीतू के घर, जिसके यहाँ अभी रिसेंटली गृह प्रवेश था, तो हम लोग तब अच्छे से मिल नहीं पाए थे, तो इसलिए हम मिलने आए हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद मिला। ये नीतू के ससुर जी हैं, इसलिए नीतू सामने नहीं आ रही थी, तो पीछे खड़ी थी। तो बस बहुत मतलब मन से बुलाई थी कि आओ सब लोग मिलते हैं, तो हम लोग गए थे। तो बस चाय इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। वही कर रही नीतू। अच्छा अभी बात और सलफेल बना रही है यूट्यूब। सब लोग एक साथ इसी में जुटे हैं। कहाँ ब्लॉगिंग तो खा ले, दूसरे बर्तन में लेते हैं। गाइज गुड आफ्टरनून, अभी नेक्स्ट डे का आफ्टरनून टाइम हो रहा है। आज है सैटरडे, तो धैर्य की छुट्टी है, तो आज मैंने सोचा फिर क्यों ही जाऊँ मम्मी के घर, क्योंकि स्कूल का रहता है तो जाती हूँ, अदरवाइज इतनी दूर से थोड़ी देर के लिए जाऊँ तो क्या ही मतलब, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। तो धैर्य आज पीछे पड़ा है कि चलो शिवांश भैया के घर पे, वहाँ पे टेंट हाउस है। टेंट हाउस है, कहाँ चलना है? शिवांश भैया के घर। क्यों? टेंट हाउस है। शिवांश भैया को बोलो, बोलो व्लॉग में, शिवांश भैया आपके घर टेंट हाउस है। शिवांश भैया के घर टेंट हाउस है। बट व्लॉग में कैसे शिवांश भैया देखेंगे? अरे तो घर चलना पड़ेगा ना। अरे अरे कॉल ही तो कर लो, तब तो मिलेगा। अच्छा कॉल कर लूं? हाँ। तो बस ये पीछे पड़ा है कि चलो चलो। और खुशी भी उस दिन बोल रही थी, खुशी का भी फोन आया अभी थोड़ी देर पहले,
उस दिन भी बोल रही थी मौसी अब आप आते नहीं हो घर पे, तो क्या ही जाओ टाइम नहीं रहता और फिर मेरा मूड भी नहीं करता। फ़ोन की थी तो बोली मौसी क्या कर रही हो, कहाँ पे हो? मैंने बोला घर पे ही हूँ। तो बोली यार नानी के घर नहीं जाओगी? तो मैंने बोला नहीं। तो बोली कि आज मेरे घर आ जाओ, मैं भी जल्दी आ जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी बस काम सब हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत देर से रेस्ट 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 ले रही हूँ। धीरे धीरे एक काम कर रही हूँ रेस्ट कर रही हूँ, एक काम कर रही हूँ रेस्ट कर रही हूँ, ऐसे कर करके मैंने सारे काम कर लिए। आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो गया, बेडशीट वगैरह धोना था वो सब धो लिया है, हाथ से ही धोया है तो वो सब धो लिया। अब फ्री हो गई हूँ, 2 बज रहे हैं तो सोच रही चलो धैर्य भी थोड़ा सा खेल लेगा दीदी के घर पे, फिर उसके बाद सुला दूंगी। तो चलिए चलते हैं दीदी के घर। वैसे ये और शिवांश तो मस्ती बहुत करेंगे, बट फिर ठीक है बच्चे अब खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो चलिए वहीं चलते हैं, फिर बात करती हूँ। चलो चलो अच्छा ये है टेंट हाउस। अंदर कौन है, शिवांश है क्या? तो ये टेंट हाउस 2-3 दिन से आया हुआ था, तो खुशी से ना नहीं हुआ था जितना हो सका उसको, उसने किया था ट्राई बट अच्छे से नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, तो जो मैंने अपने हिसाब से सब ज्वाइन कर करके अच्छे से मैं खुशी की हेल्प लेते गई कि खुशी ये कर, क्योंकि मैं बार बार खड़ी नहीं हो सकती तो इसलिए खुशी की हेल्प से कर दिया मैंने। खुशी भी अभी जस्ट आई बाहर से, तो बस हो गया है जॉइंट। अब इसको हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं पूरा, उसका जो भी टेंट हाउस का जो कवर है ये एक्चुअली अनन्या का है, इसलिए इसमें प्रिंसेस लिखा है, शिवांश का नहीं है। इसके भैया ने दिया है ऑनलाइन, मतलब भेजा हुआ था कि काफ़ बर्थडे गिफ्ट, तो बस वही मैं अच्छे से जॉइंट करी थी। तो फाइनली अब जाके अच्छे से जॉइंट हुआ है जैसा होना चाहिए था, तो अब थोड़ा सा ना अच्छा दिख रहा है, अदरवाइज़ थोड़ा सा लूज़ था तो बट उसको जितना हो रहा था खुशी से किया था, पर फिर मैंने मेरी हेल्प से हम दोनों ने अच्छे से कर दिया। तो ये खुशी से ना जॉइंटर टूट चुका था पहले, तो मैंने बोला आज जब जॉइन कर रहे हैं तो इसी लागे मैं इसको फेविक्विक से चिपका के फिर जॉइन करती हूँ, तो बस वही कर रही थी। तो अब जाके सब कुछ अच्छे से हो गया, तो मैं फाइनल दिखाती हूँ। तो ये व्लॉग कल से चला आ रहा है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर आपको कैसा लगा ये वीडियो। जैसा भी लगा हो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।